हेलो दोस्तों, शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगा। अगर आप इस चैनल में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। If the height of the cylinder is 10 cm, तो and its base is the radius 3.5 cm, तो find the total surface area of the article, okay? तो कह रहा है कि एक wooden article है, एक cylinder है। Cylinder में हमें क्या है, इसको out a hemisphere from, तो कह रहा है कि इसके दोनों side में, एक ये हमारा hemisphere और एक ये hemisphere हमारा, जो हमारा टोटल ये आर्टिकल है सिलेंडर था, ठीक है। तो इसमें कट लगाए गए हैं, तो अब इसके बाद जो हमारा इसके बाद जो सरफेस एरिया बच रहा है उसको हमें फाइंड करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, एंड द बेस इज द रेडियस दी हुई है, तो रेडियस हमारी कितना है यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मींस सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के बाद हम जो दो हमारे हेमिस्फीयर हैं, तो ये तो इधर का जो हमारा डायमीटर है पूरा, ये हमारा, तो ये तो हमारा पूरा हेमिस्फीयर के साथ इसमें शामिल हो गया, ठीक है। ये वाला तो हेमिस्फीयर के साथ शामिल हो गया, इंक्लूड हो गया, साथ ही ये वाला भी हमारा हेमिस्फीयर के साथ, सॉरी, पूरा इंक्लूड हो गया। बट जो इसके अलावा जो हमारा सिलेंडर में ये पीस का पार्ट बच रहा है, इसको हमें फाइंड करना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, सॉरी यहाँ टू टाइम लिख गया है, ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा सिलेंडर है प्लस इसके अलावा जो हमारा ये हेमिस्फेयर, तो सी एस ए ऑफ अपर हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ जो हमारा लोअर हेमिस्फेयर, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब इसके बाद हम वैल्यू रख देते हैं, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो हमारा 2πrs होता है, और प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या होता है, टू पाई आर स्क्वायर, और प्लस ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2πr², ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं जो है, ठीक है, तो 2πr² 2πr² तो 2πrs + 2π, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2πr², ठीक है। तो 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ h बच रहा है, प्लस यहाँ हमारा जो बच रहा है 2r बच रहा है, तो 2π की वैल्यू 22/7, r जो हमारा है 3.5 है। अब अंदर देख लेते हैं तो यस हमारा कितना है, 10 है, ठीक है, और जो 2r हमारा कितना है, 3.5, ओके। तो यहाँ से 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 22 × 2 = 44 मल्टीप्लाई 0.5, ये हमारा कितना हो जाएगा,
टू और 3.5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10+7 हो जाएगा। ओके तो 444.05 ये हमारा मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं तो 5 4 20 हो जाएगा, 5 4 20+22 तो 22.0 × 17। ठीक है मल्टीप्लाई 17 और जो हमारी यूनिट दी हुई है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 17 2 34 और 17 2 34 तो 34 + 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो ये हमारा राइट आंसर होगा 374 जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल फाइंड हो रहा है। ओके दोस्तों तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो को 1 से 2 टाइम वॉच करना है और इसको बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है तो 13.1 को हमने आज पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। साथ ही अगर आप मेरे पुराने लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आपको पूरा मैंने 1 by 1 क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, उसको आप प्रॉपरली 1 से 2 टाइम वॉच करें। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।